कोविड-19 के बढ़ते प्रकोप के चलते प्रदेश सरकार द्वारा लागू की गई बंदिशों की लोग जमकर धज्जियां उड़ाते नजर आ रहे हैं। हालत ये है कि प्रतिबंध के बावजूद लोग अपने घरों में सामूहिक भोज का आयोजन कर रहे हैं। ऐसा ही एक मामला जिला मुख्यालय से सटे कोटला खुर्द गांव में सामने आया, जहां सरकार के नियमों को धत्ता बताते हुए एक कार्यक्रम के दौरान सामूहिक भोज का आयोजन कर डाला। मामले की सुखबुगाहट जिला मुख्यालय ऊना तक पहुंची, तो प्रशासन और मीडिया की टीमें मौके पर निकल पड़ी। आयोजन स्थल पर मीडिया की टीम को आते देख आयोजकों ने सामूहिक भोज में आए मेहमानों को भगाना शुरू कर दिया। हालांकि मौके पर जिला प्रशासन द्वारा गठित फ्लाइंग स्क्वाड का दस्ता भी पहुंचा था, लेकिन फ्लाइंग स्क्वाड मौके पर केवल मात्र औपचारिकताएं करती है। जबकि पंचायत प्रधान ने दावा किया कि उन्होंने आज सुबह ही कार्यक्रम के आयोजकों को इस बाबत नोटिस दिया था और उन्हें हिदायत दी गई थी कि वह किसी सामूहिक भोज का आयोजन बिल्कुल नहीं करेंगे। प्रदेश सरकार और जिला प्रशासन द्वारा जारी हालिया आदेशों में 1 मई से शादी में केवल 20 लोग ही भाग ले सकते हैं, जबकि सामूहिक भोज पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके बावजूद कोटला खुर्द में चल रही एक शादी समारोह में न सिर्फ लोगों की भीड़ दिखी बल्कि सामूहिक भोज का भी आयोजन किया गया। हैरत की बात तो उस वक्त हुई जब मौके पर पहुंचे फ्लाइंग स्क्वाड के दस्ते ने भी आयोजनकर्ताओं के खिलाफ कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई, केवल मात्र औपचारिकताएं निभाई। हालांकि जब शादी समारोह में मीडिया के लोग पहुंचे तो आयोजनकर्ताओं ने सामूहिक भोज में बुलाए हुए मेहमानों को टेंट से भगाना शुरू कर दिया। यही नहीं, सामूहिक भोज में हिस्सा लेने आए लोग तो एक तरफ वहां 10 से 15 वेटर भी सेवाएं दे रहे थे। मौके पर पहुंचे फ्लाइंग स्क्वाड के सदस्य राजेंद्र कौशल का कहना था कि जिला प्रशासन के आदेश के मुताबिक सामूहिक भोज पर प्रतिबंध 1 मई के बाद लागू किया जाएगा। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि कार्यक्रम में केवल 20 लोग ही मौजूद थे। अब सवाल ये उठता है कि यदि समारोह में 20 लोग मौजूद थे तो सामूहिक भोज पर पाबंदी 1 मई के बाद कैसे लागू हो सकती है, जबकि शादी समारोह में 20 लोगों की मौजूदगी और सामूहिक भोज पर प्रतिबंध के साथ लागू किया गया है। गौरतलब है कि मीडिया की टीम के मौके पर पहुंचने से पहले ही फ्लाइंग स्क्वाड का दस्ता कार्यक्रम में मौजूद था। यहाँ पर फ्लाइंग स्क्वाड में हूँ मैं, यहाँ पर हमारी टीम यहाँ आई है। ऐसी ऑफिस से हमें फोन आया था कि वहाँ पर जाइए और कोई कम्प्लेंट आ रही है, तो मैंने यहाँ आकर देखा कि कोई ज़्यादा यहाँ रश ऐसा नहीं था। 20 लोगों से कम ही, जब मैं मौके पर यहाँ आया तो इससे कम ही थे। जो रूल्स गवर्नमेंट के हैं उसको ही फॉलो किया जा रहा है, वैसे भी ये पूरी तरह फॉलो की जा रही है। हर व्यक्ति जो यहाँ पर अंदर प्रेजेंट था वो उन्होंने मास्क पहना था, सोशल डिस्टेंसिंग बनी हुई थी। सामूहिक भोज का पहली डीसी साहब की लेटर हमारे पास जो पहुंची है उसमें लिखा है कि पहली के उपरांत सामूहिक भोज टोटली बंद। तो आज पहली है, पहली के बाद उपरांत पहली मई से, पहली उपरांत है, पहली मई से लागू होंगे। मैं आपको लेटर बता सकता हूँ, लेटर मेरे पास है उपरांत की है, हमारे डीसी महोदय ऊना का जो लेटर हमारे पास आई हुई है उसमें उपरांत। तो 20 वाले आदेश भी फिर उसके बाद ही लागू होंगे फिर? नहीं, 20 वाले आदेश तो इनकी जो परमिशन को 20 की मिली है, परमिशन वाले कॉपी पहुंची उसे 20 की परमिशन है। कोविड-19 के चलते जिला भर के तमाम सामूहिक आयोजनों पर एक तरफ जहां प्रशासन नजर रखे हुए है, वहीं ग्राम पंचायत के प्रतिनिधियों को भी इस संबंध में शक्तियां दी गई हैं। इस कार्यक्रम को लेकर जब पंचायत के प्रधान ममता शर्मा से बात की गई तो उन्होंने बताया कि कार्यक्रम के आयोजकों को सुबह ही पंचायत द्वारा नोटिस जारी करके सामूहिक भोज का आयोजन न करने की हिदायत जारी की गई थी। सर, मैंने ऐसा किया कि नोटिस बनवाया सेक्टरी से, 5-4 दिन पहले नोटिस बनवा ली है। यहाँ मेरे को थोड़ी दिक्कत लगती है कि कोई कंप्लेंट आती है तो मैं अपनी पंचायत के साथ जाती हूँ, वहाँ पर नोटिस दे के आती हूँ और एक रिसीविंग भी ले आती हूँ कि ऐसे आज 1 मई है तो मतलब तकरीबन आज भोज वगैरह सब बंद है, कुछ नहीं है, भोज वगैरह कुछ नहीं करना है। तो हम सुबह गए, मैं और उप प्रधान जी और उसी वार्ड के वार्ड मेंबर गए थे, तो हम उनको नोटिस दे के आए थे कि प्लीज़ इस जो कार्यक्रम आपका चल रहा है इसको बंद कर दो और इस पे रिसीविंग कर दो मेरे नोटिस पे। तो मैं सर नोटिस पे रिसीविंग करवा के ले आई थी। लाइव टाइम्स टीवी के लिए ऊना से अमित शर्मा की रिपोर्ट। हाथों पर होते हैं ऐसे कई बैक्टीरिया हल्के गर्म पानी की धार में दोनों हथेलियों को रगड़े थोड़ा सा लिक्विड साबुन लेकर हथेलियों को मले हथेलियों के पीछे और उंगलियों को अच्छे से मले दोनों हथेलियों की उंगलियों को आपस में इंटरलॉक करके अच्छे से रगड़ें अंगूठे के आसपास और उंगलियों को अच्छे से मलें नाखूनों को अच्छे से मलकर धोएं
अपने हाथों को अब पानी की धार से अच्छी तरह धोएं। हाथों को अच्छी तरह से पोंछकर सुखा लें और नल को भी साफ कर दें। कोरोना की लड़ाई में साथ खड़े हैं हम। लाइफ टाइम्स टीवी द्वारा जनहित में जारी।